हेलो, क्या कर रहे हो जी? एक बार इस वीडियो देखने से एक बार थोड़ा स्माइल तो कीजिए। चलिए, शुक्रिया। आइए दोस्तों, मैं सनका, मेरे ब्लॉग वीडियो पर बहुत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपको कुछ शेयर कराने वाला हूँ। जैसे कि मैं अपने खेती बाड़ी के पास पहुँच चुका हूँ, देखिए, और वहाँ वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो हम लोग का जाने माने चिरमी पहाड़ है। देख लीजिए, अभी सूर्य देवता का ड्यूटी ख़त्म हो गया, इसलिए तो कैमरा जहाँ तक क्लिंग आ रहा है, देख लीजिएगा, आप समझ सकते हैं। आइए आपको आगे कुछ और दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पास हम लोग का ये सब खेती बाड़ी धान पड़ा है और आपसे क्या बात करूं, कुछ तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बोलूंगा कि कुछ दिखाने के लिए मिलता है मेरे को तो आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा और पहुंचाता हूं। आपको दिखा दे रहा हूं करीब से, यही है हम लोग का नाला, देख लीजिए, हो गया नाला। और ये सामने में देख लीजिए, एक ठो पत्थर दिख रहा है, उसी पत्थर में पूर्वजों लोग हमारे बताते थे कि कभी डफला नगेड़ा का आवाज़ आता था, देख लीजिए, यही वाला है दोस्तों। और ये हम लोग का नाला रहा, ये देखिए नाला है, इसी नाला से हम लोग अपना थोड़ा मोड़ा पानी उनी सिंचाई करके यहाँ अपना खेत में हम लोग रोकथाम करते हैं, जैसे कि यहाँ खेत में कुछ कमी पड़ता है तो। और आगे दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ से चिरमी पहाड़, वो चिरमी पहाड़ का नज़ारा है, देखिए, यही हम लोग का जंगल है मेन। और इस जंगल में बहुत सारा चीज़ मिलता है, इसी में बहुत तांत्रिक लोग भी अपना जड़ी बूटी यहीं से प्राप्त करते हैं और आते जाते हैं तो यहाँ से अपना मुखारी पान पतई सब यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो यही है हम लोग का मेन इधर का जंगल। और ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं देख लीजिए, यही रास्ता से कहीं कुछ लेने जाते रहेंगे, मुझे नहीं मालूम, इनसे बात नहीं करूँगा, नहीं तो बोलेंगे कि क्या ज़रूरी है पूछना। चलो आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है देखिए अन्न माता, अन्न से आनंद। हमारे जीवन में सोचा जाए तो तीन ही माँ हमारे जीवन के साथ देने वाले हैं और आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। ये देख लीजिए इधर किस टाइप से लग रहा है, अच्छा तो लगता होगा ज़रूर, जहाँ तक आप जान रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। तो आइए देख लीजिए, हम लोग को बड़े भैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो भाई, हैं जा रहे होंगे इधर नाला तरफ, मुस्कुरा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आगे मैं शेयर कराता हूँ। ये देख लीजिए, एक ठो ये वाला भी हम ही लोग का खेत है, आप ये देख लीजिए, इधर हम ही लोग का खेत है। बाकी तो सब आपको मैं दिखा दिया, देख लीजिए इस टाइप से दिखता है हम लोग का खेत बाड़ी। भाई गांव दिहाई तक जंगल पहाड़ है, लेकिन खैर उतना तो जहाँ तक अब नहीं है, जहाँ तक हम लोग का व्यवस्था बन चुका है, रोड हो गया है, बिजली हो गया है गांव में, ये देख लीजिए इसी टाइप से है। और आपको ले चलता हूँ मैं, ये देख लीजिए दोस्तों, कहा जाता है अन्न से आनंद। और हमारे इस दुनिया में तीन ही माँ हैं, उस माँ को अगर आपको याद आए या आता होगा तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर याद नहीं आता होगा तो शायद ऐसे लोग दुनिया में इंसान हैं कि अपने माँ के बारे में याद नहीं करते होंगे। तो इस चीज़ को ले जाते हुए मैं आपको ज़रूर मैं याद कराऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं शेयर करा देता हूँ।
ये देख लीजिए, इसको माटी उटी कोड़ने के लिए खनिहार छापते हैं, इसको उठा के ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए अच्छा है, आपको जिसमें सहूलियत मिले वही कीजिए आप, इसको मैं नहीं बोलूँगा। तो देख लीजिए इधर आगे आगे किस टाइप से दिख रहा है, ये देख लीजिए। जहाँ तक तो अच्छे लगता है, बाकी आपकी मन पसंद आपको कैसा लगता है ये मैं नहीं बता सकता। देखिए इधर इस टाइप से गांव है, ये जंगल है, पहाड़ है, और हम लोग का यहाँ आनंद आता है। देखिए क्या दिखाऊं, और यहाँ से दिखता है हम लोग का पहाड़ जो है बड़ा, जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं। उसके वीडियो मैं बना चुका हूँ फाइनली, लेकिन शायद इसमें भी आप देखेंगे तो सोच सकते हैं कि वही जगह का वीडियो दिया था। तो अब कहने को क्या रहा और बताने को क्या रहा, शायद मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं बचा है, और कुछ बचा खोचा होगा तो अब उसे बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। देखिए इस टाइप से है, यहाँ भी कुछ जहाँ तक साफ़ ही दिख रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना दिया, और कुछ शेयर करा देता हूँ आपको। ये हम लोग का कुछ खाली जगह है, ये वाला देख लीजिए। अब इधर जो ये झाड़ लगा है, इसको आपके तरफ नाम से क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, हम लोग के यहाँ सतरंगी बोलते हैं, पुटुस भी बोलते हैं। तो दोस्तों आइए, जिसे मैं बोला था कि हमारे दुनिया में तीन ही माँ हैं, तो एक माँ जन्म देने वाला जो होता है वो वापसी चले जाते हैं, और दूसरे माँ जो साथ देते हैं जितना दिन तक हमारा ज़िंदगी रहता है इस जीवन में, जब तक हम लोग का सांस राज करता है उतना तक साथ देने वाला दोस्तों यही है। देख लीजिए यही यही अन्न माता है। अब इसी अन्न से आनंद रहते हैं हम लोग। देखिए किस टाइप से लग रहा है, अगर शायद मेरा ये बात गलत हो तो आप मेरे को अपने कमेंट से मेरे को बता सकते हैं कि रियल है या फेक है। तो इसके लिए मैं जहाँ तक तो मैं यही बोल सकता हूँ, बगैर आपकी इच्छा है आप क्या बोलेंगे, कि हम लोग का दुनिया में सिर्फ साथ देने वाला दो ही माँ है। आ एक माँ जैसे जन्म दिया और कुछ दिन साथ देते हुए कुछ अपना ज़िंदगी संभलते हुए कुछ कया शरीर बनाते हुए तब तक साथ देता है, लेकिन एक दिन कुछ दिनों की बाद वो वापसी हो जाते हैं हमें छोड़ के। अब कहे कि वो दुनिया की एक रीति है, भगवान की बनाया हुआ एक परंपरा है, तो उसे हम नहीं रोक सकते, या तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इतनी कह सकते हैं जो होता है उसको याद कर सकते हैं। तो उसके साथ में हम लोग का जीवन चलाने वाला और साथ देने वाला यही है। देख लीजिए फाइनली इसी को मैं जानता हूँ, अगर आप इसे कोई दूसरा जाने तो आप मेरे कॉमेंट में बता सकते हैं, कहे कि मैं तो जानता हूँ इसी को, यही है हम लोग का अन्नदाता जीवनदाता। और लास्ट में दोस्तों जब हम लोग का सारा चीज़ हो जाता है, यहाँ रहन बसन सहन जिंदगी का हम लोग का बुढ़ापा, कहने का मतलब कहते हैं कि आयु हमारा घटने लगता है, तो उस दिन लास्ट में जाता है कहाँ और लेता है कहाँ, उस दिन कमा कौन है जो अपने कोरा में ले लेता है। अब मैं कोरा कह दिया था तो खुद ही समझ सकते हैं कि हम लोग को लास्ट में कोरा में अपना कौन मार लेता है, तो उसे कहने की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह दिया तो बता ही दे रहा हूँ, वो है धरती माता। लास्ट में हम लोग का वही अपना कोरा में रखता है। तो इसके लिए आपसे मैं कुछ बोलना चाहूँगा या कहना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहूँगा, जहाँ तक तो मैं सब चीज़ अपने हिसाब से बोल दिया। अब देख लीजिए यहाँ का लुक किस टाइप से है, और इतना शेयर कराने के बावजूद भी अब मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता, काहे कि अब समय हो चुका है
और सूर्यदेव भी अपना जगह स्थान अस्थाई ले लिए हैं, क्या कि इतना से कैमरा भी नहीं मेरा सहयोग दे सकता है। देख लीजिए मैं यहाँ आ गया। तो चलिए दोस्तों, आपको इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है मेरे को मेरे प्रवचन अच्छा लगता है, मेरा दिखाने का लुक अच्छा लगता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अवलत गलत के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अन्नपूर्णा देवी की जय।